हेलो हाय गाइस, अब आ रही हूँ लाइव। प्लीज़ एक बार मुझे बताओ, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अब दिख रही हूँ मैं सबको, प्लीज़ एक बार जल्दी से बताओ मुझे। क्या प्रॉब्लम आ रही है ये? ठीक है, दिख रही हूँ मैं सबको। आई एम वेरी सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। पता नहीं क्या हो रहा था, मैं लाइव जा रही हूँ और वो दिख नहीं रहा था मेरे फ़ोन पे। मैं चेक भी किया, नहीं हो पा रहा था, तो सॉरी फॉर बीइंग लेट। चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं, मैं फटाफट से एक बार बच्चों को बता दूँ, जो बच्चे एक सेकेंड रुक नहीं पाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कॉकरोच ख़त्म करने वाले हैं, जो कि वन शॉट में हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो बहुत जल्दी से क्विकली हम ये चैप्टर कर लेंगे। सारे हम लोगों ने एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने कवर कर लिया। और दूसरा, मैंने माइक लगाया हुआ है, तो एक बार बता दो आवाज़ की, अब दिक्कत तो नहीं है ना कोई? हाँ, तो हम लोग वन शॉट में कवर कर लेंगे वो। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से बायो का शेड्यूल पूछ रहे थे, पहले मैं वो फटाफट से एक बार बता दूं। तो बायो का जो शेड्यूल रहेगा, मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पहले हम ये यूनिट ख़त्म करने वाले हैं। तो कल हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कर लेंगे, परसों हम लोग एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स कर लेंगे। तो ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली। उसके बाद हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी शुरू करेंगे। तो हमारा टाइम हमें फिक्स पता है, 10 बजे। ठीक है, तो आप उस हिसाब से रेडी रहो बस। और कुछ चैप्टर्स जो मैं आपको नहीं कराने वाली हूँ, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लिविंग वर्ल्ड, ये सारे चैप्टर हैं, आप खुद से करने शुरू कर दो। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपसे कहीं हैं कराऊंगी, तो मैं एक शेड्यूल आपको अभी नहीं दे सकती क्योंकि मुझे नोट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं साथ साथ। ठीक है, तो और साथ में फिजिक्स की क्लासेज और केमिस्ट्री की क्लासेज आपकी डेली यहाँ पे अपलोड हो रही हैं। ठीक है, आई होप आप सब रेडी हैं, फटाफट से खत्म करना है आज ये चैप्टर। तो सबसे पहले कॉकरोच से हम स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच है क्या, कौन से किंगडम का मेंबर है, कौन से फाइलम का मेंबर है? तो किंगडम एनिमेलिया में आता है, फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, और क्लास कौन सी है, इंसेक्टा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि कॉकरोच किसको बिलोंग करता है, कौन से किंगडम को बिलोंग करता है। ऑब्वियसली एनिमेलिया को करता है, आर्थ्रोपोडा में आता है और इंसेक्टा क्लास में आता है। उसके बाद जो कॉकरोच है वो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, जैसे कि येल्लो, जैसे कि ग्रीन। तो जब कभी भी स्टेटमेंट में आएगा, वो आपसे पूछेंगे कॉकरोच कैन बी ब्लैक, येलो और ग्रीन, तो आप सोचोगे अरे ब्लैक तो मैंने सुना हुआ है, ब्राउन भी सुना हुआ है, येलो और ग्रीन तो नहीं होते, तो आप फॉल्स स्टेटमेंट कराओगे, जबकि वो सही है। ग्रीन यूजुअली और ऐसे कलर्स यूजुअली ट्रॉपिकल रीजन में दिखते हैं, कॉकरोचेज में भी। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा हम कर चुके हैं। फिर कॉकरोच का साइज कितना है, तो कॉकरोच का एग्जैक्ट साइज आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ जाता है। तो 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस तक वेरी करता है कॉकरोच का साइज। आपको इंचेस के साथ साथ सेंटीमीटर में भी ध्यान रखना है, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। तो ये आपको पूरा ही ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और एक जगह आगे एमएम में भी दिया है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं, बड़े बड़े एंटीने होते हैं कॉकरोच के, जो आपने देखे होंगे। लेग्स होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। फ्लैट एक्सटेंशंस ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। तो जो कॉकरोच के ऊपर वाली वॉल होती है ना, वही उसके हेड को भी कवर कर लेती है। तो यही चीज एनसीईआरटी में दी है, इस पे आज सच कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की। तो आप खुद सोचो भाई, आपको कॉकरोच कहाँ मिलते हैं? ऐसे रीजन जहां पे पानी हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, है ना। आप बाथरूम में चले जाओ तो वो आपको कॉकरोच दिखेंगे, आप किचन में चले जाओ तो आपको कॉकरोच दिखेंगे। तो ऐसी जगह पे दिखेंगे जो थोड़ी वेट जगह हो, मॉइस्चर हो जहां पे थोड़ा सा। ठीक है, और साथ में कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप जाओ दिन में, अगर आप जाओगे कॉकरोच आपको नहीं दिखेंगे यूजुअली, रात को आप एक बार चक्कर मारा हो जरा किचन का या बाथरूम का, अगर आपके घर में कॉकरोच है तो आपको रात को ही दिखेंगे। और इनफैक्ट आप लाइट जलाओगे ना तो कॉकरोच भाग भी जाते हैं। तो नॉक्टर्नल होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं। तो इसमें तो हमें कुछ याद ही नहीं करना, हम खुद कॉकरोच को रोज देखते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी कैसी है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो अडल्ट को हम नाम, पहले तो हम क्या, साइंटिफिक नेम क्या है कॉकरोच का, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये तो आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉकरोच का अगर हम बात करते हैं, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है, तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है। साइज यहाँ पे देखो 34 to 53 mm लॉन्ग दिया है। तो अभी तक हमने 3 साइजेस याद किए हैं, एक तो हमने एमएम में किया है, एक हमने सेंटीमीटर में किया है, एक हमने इंचेस में किया है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तीनों फिगर्स ध्यान रखनी है। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपने सेंटीमीटर में अगर हल्का सा रफ आइडिया ध्यान रखा हुआ है, या आपने इंचेस में ध्यान रखा हुआ है, तो उसको तो आप सेंटीमीटर में अप्रॉक्सीमेट मार भी सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, तो आप उससे भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका साइज हो गया कि कितना कॉकरोच का साइज है। दूसरा, कॉकरोच की बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। ठीक है, अगर आपने आर्थ्रोपोड पढ़ा होगा किंगडम एनिमेलिया में, या फिर आपने जब प्लांट किंगडम एनिमल सॉरी एनिमल किंगडम जब आपने पढ़ा था, तो आपने वहां पे देखा होगा कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमें सेगमेंटेड बॉडीज मिलती हैं, और कॉकरोच की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, और वो कवर्ड होती है बाय एन
एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, ठीक है। और कैसा कैसा कलर होता है हमें पता चल गया, ब्राउन, ब्लैक या फिर येलो भी हो सकता है, या फिर कॉकरोच का ग्रीन कलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एनसीईआरटी में इतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है। तो कॉकरोच में एम्ब्रियोनिक स्टेज में और अडल्ट स्टेज में कितने कितने सेगमेंट्स होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो जब एम्ब्रियो होता है ना कॉकरोच का, तो उसके अंदर हेड के अंदर उसके 6 सेगमेंट होते हैं, लेकिन वो 6 के 6 फ्यूज करके अडल्ट के लिए के अंदर एक ही हेड बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि 6 सेगमेंट्स होते हैं और वो 6 सेगमेंट्स फ्यूज करके एक हेड बना देते हैं। तो एनसीईआरटी ने बड़ा इनडायरेक्टली दिया है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से जब एडल्ट बनता है तो हेड जो होता है वो फ्यूज करके बनता है कुछ सेगमेंट्स को, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो थोड़ा सा बाहर है। उसके बाद थॉरिक्स के अंदर 3 थे, अभी भी 3 है। उसके बाद एब्डोमन के अंदर 11 थे और अब कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको हेड का ध्यान रखना है कि हेड बहुत सारे सेगमेंट्स को फ्यूज करके एडल्ट में बन गया है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद चांसेस हैं कि आप ये मिस कर दोगे, ये वाला पॉइंट ये है कि हेड कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक। अब सुनो, हमारे मतलब अगर हम कॉकरोच की बात करें तो उसमें 3 चीजें हैं, 3 मेन चीजें क्या है, उसका हेड है, उसके पास थॉरेक्स है और उसका एब्डोमेन है। उसके पास मेन उसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी हम वो पढ़ेंगे भी डिटेल में, हेड उसका, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका थॉरैक्स और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका एब्डोमेन। तो 3 ही चीजें हैं एक कॉकरोच के अंदर, मेन पार्ट्स हैं 3 उसके, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। तो जो हेड है उसका, उसकी नेक भी होगी, तो कहते हैं कि कॉकरोच की जो नेक है वो थोरैक्स के एक पार्ट से ही बनी हुई है, थोरैक्स का एक पार्ट है प्रोथोरैक्स, उसी की एक्सटेंशन से उसकी नेक बनी हुई है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉकरोच की नेक है वो कैसे बनती है या क्या होती है, किसकी बनी होती है, तो इट इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक, ठीक है। क्लियर है सबको इतना, चलो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अभी तक बड़ा इजी हम सब पढ़ रहे हैं। देखो कॉकरोच एक ऐसा चैप्टर है जहां पे ना आपको एनसीईआरटी में पढ़ोगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना पैराग्राफ में है कि आपको मतलब एक एक पॉइंट याद करने में दिक्कत होगी। तो अगर ये फ्लो चार्ट पढ़ोगे, एक बार पढ़ लो आज, 1 घंटा मुझे दे दो बस, इसके बाद 15 मिनट से ज्यादा आपको चैप्टर में लगेगा ही नहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया एक बार। तो उसके बाद एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से पूरी बॉडी उसकी कवर्ड होती है और हम बोलते हैं कि वो ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है, थ्रू विच द एंटायर बॉडी इज कवर्ड। तो पूरी बॉडी उसकी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है जो कि ब्राउन कलर का होता है। अब एक्सोस्केलेटन की कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एनसीईआरटी में भी लिखी गई हैं और बहुत क्लियरली नहीं बताया गया, तो वो हम देखेंगे। तो कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं इस एक्सोस्केलेटन की जो कॉकरोच की बॉडी को कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा एक बार आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी इस तरफ कि वेंट्रल कौन सी साइड होती है, डॉर्सल कौन सी साइड होती है, ठीक है। तो हमारी वेंट्रल साइड ये है, सबको पता होना चाहिए, डॉर्सल साइड हमारी पीछे वाली है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि अगर हम कॉकरोच की वेंट्रल साइड की बात करें तो कौन सी वाली साइड होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली, ये आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि कितने बच्चों को ये बात पता है, ठीक है। तो डॉर्सली अगर हम बोले कॉकरोच के, डॉर्सली कॉकरोच के कैसे प्रेजेंट होता है भाई, टर्गम्स प्रेजेंट होते हैं या टर्गाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि कॉकरोच की बॉडी एक्सोस्केलेटन कवर कर रही है और एक्सोस्केलेटन की कुछ प्लेट्स उसको कवर कर रही है ना। तो डॉर्सली जो प्लेट कवर करती है एक्सोस्केलेटन की वो किसकी होती है, उसको नाम क्या देते हैं हम, टर्गाइट देते हैं, उसको हम टर्गाइट देते हैं। वेंट्रली जो कवर करती है उसको हम स्क्लेराइट देते हैं, उसको हम स्क्लेराइट देते हैं। और लेटरली जो कवर करते हैं उनको हम प्लूराइट देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टर्गम, स्टर्नम और साइड्स में प्लूरा। तो अगर ऐसे मेरा कॉकरोच है तो इसके ऊपर क्या है, डॉर्सल साइड पे क्या है, टर्गम है, वेंट्रल साइड पे क्या है, स्क्लेराइट्स हैं, और लेटरल साइड्स पे क्या है, प्लूरा है। नीचे वाली होती है, नीचे वाली होती है वेंट्रल, ठीक है। चलो तो ये ध्यान होना चाहिए टर्गम स्टर्नम सॉरी टर्गम स्क्लेराइट्स और टर्गाइट भी बोल दो, स्क्लेराइट भी बोल सकते हो, टर्गम भी बोल देते हैं कभी कभी। तो टर्गाइट, स्क्लेराइट और प्लूराइट, अब ऐसे याद करो तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और ये जो सारी प्लेट्स है ना, ये एक चीज से चिपकी हुई होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो इन सारी प्लेट्स को ऐसे अटैच करती है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो आपको ध्यान होना चाहिए टर्गाइट, फिर स्क्लेराइट और फिर लेटरल आपको प्लूराइट, और ये आपकी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इससे अटैच्ड है, ठीक है। क्लियर है सबको, चलो अब इतना आई होप आपको सबको समझ में आ गया। किसका बना होता है भाई, काइटिन का बना होता है ये एक्सोस्केलेटन, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन क्योंकि उसका काइटिन का है, तो कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाए, अगर कभी बोलते हैं कैटास्ट्रोफ हो गया या कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई जहां सारे ऑर्गेनिज्म सब मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच आपका बच जाएगा, कॉकरोच बच जाएगा क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कॉकरोच को काफी हद तक प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसीलिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन कॉकरोच की बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। चलो अब हम 3 चीजों की बात करेंगे जो कॉकरोच के अंदर मेन है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके हेड की, फिर हम बात करेंगे उसके थोरैक्स की, और फिर हम उसकी बात करेंगे एब्डोमेन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। तो हेड जो है कॉकरोच का, जैसे हम ये डायग्राम देखते हैं, तो हेड जो है इसका ये ट्रायंगुलर होता है,
ये ट्रायंगुलर होता है और कैसा होता है, देखो अब यहां तो तुम्हें लग रहा होगा ये ट्रायंगुलर नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, ट्रायंगुलर होता है और कैसे होता है, इट इज राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। कैसे होगा देखो, अगर मान लो ये कॉकरोच की ऐसे है, ये कॉकरोच है आपका, ठीक है, तो इसका हेड ऐसे होता है, ये इसका हेड है, तो जो हेड है वो मान लो ये कॉकरोच है, मान लो ये ऐसे कॉकरोच है, तो हेड जो है वो ऐसे है, तो 90 डिग्री के एंगल पे है हेड इसके बॉडी के, ठीक है, तो हम बोलते हैं जो हेड है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है और इट इज राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। तो मान लो ये बॉडी है तो ये एक्सिस बॉडी की एक्सिस हो गई, आपकी हेड की एक्सिस हो गई, तो 90 डिग्री पे होता है। उसके बाद फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपको ध्यान रखना है कि एम्ब्रियोनिक में 6 होते थे सेगमेंट हेड में और अब एक होता है, तो वो फ्यूज कर गए हैं सारे के सारे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हेड क्या होता है। हेड प्रेजेंट्स ग्रेट मोबिलिटी ड्यू टू अ फ्लेक्सिबल नेक, क्योंकि उसकी नेक इतनी फ्लेक्सिबल है, हमारी नेक इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम ऐसे पूरा अपना पीछे सिर को घुमा पाए, नहीं कर सकते, लेकिन कॉकरोच का जो हेड होता है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसका मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि उसकी नेक बहुत फ्लेक्सिबल है, और नेक किसकी बनी हुई है ये आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है फटाफट। साथ में उसके अंदर कंपाउंड आईज होती है, तो उसके हेड कैप्सूल के अंदर, सिर के अंदर ही उसके आईज भी प्रेजेंट होती है, जो कैसी होती है, कंपाउंड आईज होती है। कंपाउंड आईज के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंटीना पोजेसेस सेंसरी रिसेप्टर्स हेल्प इन मॉनिटरिंग एनवायरमेंट, तो एंटीने जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये कॉकरोच के ऊपर अभी हम एंटीने की बात करेंगे, तो एंटीने के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो सेंस करने के काम आते हैं, ठीक है। आप देखो कॉकरोच के पास आप जाओगे या कॉकरोच को आप ऐसे कुछ करोगे, मतलब भगाने के लिए कुछ करोगे, तो कॉकरोच सेंस कर पाता है, तो इसका मतलब उसके पास कोई तो सेंसरी वाली चीज है, तो वो उसके एंटीने में प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है सबको, इतना मजा आ रहा है या नहीं? आज कॉकरोच को हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जिसमें आप सो जाते हो उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चलो अब आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हेड है तो भाई उसके अंदर उसका मुंह भी होगा, हमारा हेड है तो हमारा भी तो मुंह है, हम भी तो खाना खाते हैं, वैसे ही बेचारा कॉकरोच क्यों भूखा मरे, उसके पास भी होता है। तो उसके पास जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, सबसे पहला सवाल जो आपने नीट में आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि कॉकरोच के माउथ पार्ट्स किस तरीके के होते हैं। तो आपको सीधा सीधा आंसर करना है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। तो आपके यहां पे आपको मिल गए +4। ये क्वेश्चन गलत कराओगे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये सब सही करके आएंगे और आप भी गलत करके आओगे, तो ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद माउथ पार्ट जो होते हैं, अब हमारे माउथ पार्ट देखो, हमारे माउथ पार्ट पे क्या है, अपर लिप है हमारा, लोअर लिप है हमारी, टंग है हमारा, मैंडिबल है हमारा, मैक्सिला है, वैसे ही कॉकरोच का भी है, कॉकरोच क्यों पीछे रहे भाई, तो कॉकरोच का भी अपर लिप है, कॉकरोच का भी लोअर लिप है, कॉकरोच की भी टंग है, कॉकरोच का भी क्या है मैंडिबल है, कॉकरोच का भी क्या है मैक्सिला है, जैसे हमारा है वैसे ही सब है, नाम बस थोड़े से हमने बदल दिए। जैसे हमने अपर लिप को नाम दे दिया लिब्रम और लोअर लिप को हमने नाम दे दिया लेबियम। देखो अब यहां पे हम डायग्राम में भी देख लेते हैं एक बार, तो ये ना देखो कैसे बड़ा अजीब सा बनाया हुआ है, यहां पे बड़े सारे स्ट्रक्चर जैसे अजीब अजीब से अरेंज्ड है, हम इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती वैसे, बट यहां पे देखो दिया हुआ लेब्रम हो गया ये, ठीक है, ये आपका लेबियम हो गया, फिर उसके बाद यहां मैंडिबल दिखाया हुआ है, फिर यहां पे मैक्सिला दिखाया हुआ है, और ये आपका हाइपोफैरिंक्स है। हाइपोफैरिंक्स किसके लिए दूसरा नाम है, किसी को अगर पता हो तो मुझे फटाफट बताओ, हाइपोफैरिंक्स से हम क्या चीज डिनोट करते हैं। तो डायग्राम आपसे प्रोबेबली ये वाला ज्यादा चांसेस है पूछने के, तो आप कंफ्यूज होगे मैंडिबल मैक्सिला में, ये मत कंफ्यूजन करना, ठीक है, क्योंकि हम अगर अपने हिसाब से देखें तो फिर हम देखते हैं कि हाँ तो हमारा मैंडिबल है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना डायग्राम, ठीक है। टंग के लिए हम हाइपोफैरिंक्स वर्ड यूज करते हैं, तो हमें मैंडिबल मैक्सिला का तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लेब्रम लेबियम में हमें दिक्कत हो सकती है, हाइपोफैरिंक्स हमारा टंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और टंग जो है दैट इज अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब, मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स, ठीक है, क्लियर है सबको इतना। चलो अब हमने इसके साथ खत्म कर लिया अपना पूरा का पूरा हेड, अब हम आ जाते हैं थोराक्स पे। तो थोराक्स देखो अब एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं, आपका हेड खत्म हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं थोराक्स की। तो थोराक्स जो है ना वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, थोराक्स जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन से पार्ट्स हैं, प्रोथोराक्स, मीजोथोराक्स और मेटाथोराक्स। तो पहले तो आप नाम याद रखो, प्रोथोराक्स, मीजोथोराक्स, मेटाथोराक्स, फटाफट से नाम याद करो और चैट बॉक्स में एक बार बस लिख दो, उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा अभी के अभी, ठीक है, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो। अब प्रोथोराक्स, मीजोथोराक्स और मेटाथोराक्स, अब क्या होते हैं कि मीजोथोराक्स और मेटाथोराक्स के अंदर विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब कॉकरोच जो होता है यूजुअली आपको उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, बट इमरजेंसी कंडीशंस में कॉकरोच जो है वो उड़ता भी है, तो उसके पास विंग्स भी होते हैं। तो मीजोथोराक्स के अंदर उसके पास एक पेयर विंग्स है और मेटाथोराक्स के अंदर उसके पास एक और पेयर विंग्स है, तो यानी कि उसके पास दो पेयर ऑफ विंग्स है। और मीजोथोराक्स वाले विंग को क्या कहेंगे, मीजोथोरासिक विंग्स। मेटाथोराक्स वाले विंग को क्या कहेंगे हम, हाइंड विंग्स या फिर मेटाथोरासिक विंग्स, ठीक है। अब समझो जो फोर रीजन कौन से बोलते हैं, अगर मैं आपको बोलूं आपके फोर आर्म क्या है, आपके फोर लिम्स कौन से हैं, आपके हाइंड लिम्स कौन से हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फोर जो आपके ऊपर है चीज, है ना, हाइंड लिम्स जो नीचे की तरफ है, तो फोर फोर विंग्स कौन से होंगे जो ऊपर होंगे मीजोथोराक्स में, हाइंड विंग्स कौन से होंगे जो मेटाथोराक्स में होंगे, क्लियर है। ध्यान रखना प्रोथोराक्स में नहीं है, प्रोथोराक्स तो नेक बना रहा है, उसके बाद मीजोथोराक्स में एक पेयर विंग्स है, मेटाथोराक्स में एक पेयर विंग्स है, इसको बोल देंगे फोर विंग्स, इसको बोल देंगे हाइंड विंग्स, क्लियर। अब देखो मीजोथोराक्स के विंग्स को हम टेगमाइना भी बोलते हैं,
टेगमाइना भी बोलते हैं, एलिप्ट्रा भी बोलते हैं, तो टेगमाइना बोलते हैं हम इसको। और जो मेटाथोराक्स के विंग्स होते हैं, अब जैसे मीजोथोराक्स के विंग्स को हमने क्या बोला, मीजोथोरासिक विंग्स, फोर विंग्स या फिर टेगमाइना। और ये जो विंग्स होते हैं ना, ये सिर्फ कवर करने के काम आते हैं, ये सिर्फ कॉकरोच को कवर करते हैं, ओपेग होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो नीचे वाले विंग्स हैं इनको कवर करके रखते हैं। तो प्रोथोराक्स में कोई विंग्स नहीं है, मीजोथोराक्स के जो विंग्स हैं वो बस कवर करने के लिए हैं, किसको, हाइंड विंग्स को, ठीक है। ओपेग होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है टेगमाइना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फोर विंग्स थे, हाइंड विंग्स थे, फंक्शन में कैसे बताऊं। तो ये ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है, अगर नाम याद है तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं मेटाथोराक्स की या हाइंड विंग्स की। तो मेटाथोराक्स या हाइंड विंग्स जो है वो एक पेयर है, ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है और मेंट फॉर फ्लाइट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से विंग्स ऐसे हैं जो कॉकरोच के उड़ने में काम आएंगे, तो आपको मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताना है फटाफट से। और जो उड़ने में काम आएंगे वो बेचारे लेदरी और ओपेक तो होंगे नहीं, डार्क तो होंगे नहीं, वो ट्रांसपेरेंट से होंगे, पतले से होंगे, जो कि वो उड़ जाएंगे आराम से। तो अब एक बार डायग्राम में भी फटाफट देख लेते हैं। देखो ये टेगमाइना आपको दिख रहा है डार्क डार्क सा कलर, और ये आपको हाइंड विंग दिख रहा है, ये लेदरी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, पतला सा है, जो आराम से उड़ने के काम आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया हाइंड विंग्स या मेटाथोरासिक विंग्स विल बी यूज्ड इन फ्लाइट, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ना डायग्राम में देखो मीजोथोराक्स दिख रहा है, यहाँ पे मेटाथोराक्स दिख रहा है, और तुम्हें प्रोथोराक्स भी दिख रहा होगा कहीं, प्रोथोराक्स नहीं लेबल किया होगा क्या इन्होंने, ठीक है चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने विंग्स तो देख लिया, अब क्या होता है इन्हीं सेगमेंट्स में से एक एक लेग्स भी निकलती हैं, एक एक पेयर लेग्स का भी निकलता है। जैसे प्रोथोराक्स से लेग्स निकलेंगी तो प्रोथोरासिक लेग्स, मीजोथोराक्स से निकलेंगी तो मीजोथोरासिक लेग्स, मेटाथोराक्स से निकलेंगी तो मेटाथोरासिक लेग्स। तो सिमिलरली यहाँ पे लेग्स भी दी हुई है, देखो ये आपको प्रोथोरासिक लेग दी हुई है, ये आपको मीजोथोरासिक लेग दी हुई है, ये मेटाथोरासिक लेग दी हुई है, तो आपको लेग्स भी पता चल गई। तो थोराक्स के तीनों सेगमेंट से एक एक लेग निकल रही है, एक एक पेयर ऑफ लेग निकल रही है, और मीजोथोराक्स और मेटाथोराक्स से आपके विंग्स भी निकल रहे हैं। तो ये सब काम कहाँ हो रहा है, थोराक्स में। हेड में हमने क्या पढ़ा था, हेड में हमने माउथ पार्ट्स पढ़े, हेड में हमने आंखें पढ़ी। आप खुद सोचो आपके आंखें कहाँ हैं, आपके हेड में है, आपका जो माउथ पार्ट्स हैं वो कहाँ है, हेड में है। उसके बाद जो थोरासिक रीजन है उसके अंदर कॉकरोच में क्या है, उसके विंग्स हैं, उसकी लेग्स हैं, वो सारा उसका थोरासिक रीजन में। उसके बाद हम लोग चलेंगे एब्डोमेन की तरफ, एब्डोमेन की तरफ। अब देखो एब्डोमेन में आ जाते हैं, तो एब्डोमेन में भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था कि 10-10 सेगमेंट है एब्डोमेन में। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फिलामेंटस होता है, जिसका नाम है एनल सरकाई, एनल सरकाई, वो मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है। और एक और स्ट्रक्चर होता है जो आपसे बार बार, हजार बार नीट में पूछा जाएगा, उसका नाम है एनल स्टाइल, एनल स्टाइल्स। और ये आपसे मैं फिर से बता रही हूँ कि जैसे मैं हमेशा हर चैप्टर में बताती हूँ, एक ऐसा पॉइंट जो मतलब तुम पूरा चैप्टर छोड़ जाओ पर ये मत छोड़ के जाना, ये वो वाला पॉइंट पे हम आ गए हैं। एनल स्टाइल्स पे क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा गया, इनफैक्ट जब मैंने जिस साल नीट दिया था उस साल भी इसी पे क्वेश्चन आया था, 18 में मुझे याद है, जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसके अंदर मैंने जब नीट दिया था तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। तो एनल सरकाई दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एनल स्टाइल्स जो है वो मेल में प्रेजेंट होती है। ध्यान कैसे रख सकते हो कि मेल जो है वो बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, तो इसलिए उनके पास एनल स्टाइल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब एनल सरकाई कैसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे। अब क्या होता है, अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि डॉर्सली क्या है, टर्गम है, टर्गाइट है, वेंट्रली क्या है, स्क्लेराइट है, ठीक है, और लेटरली प्लूराइट है। तो पहले ये ध्यान रखना कि डॉर्सली हमने वैसे भी टर्गाइट पढ़ा या टर्गम पढ़ा है, वेंट्रली हमने स्क्लेराइट पढ़ा, यानी कि कॉकरोच के नीचे वाले हिस्से में क्या है, स्क्लेराइट्स हैं, और ऊपर वाले हिस्से में क्या है, टर्गाइट्स हैं। ये कॉकरोच है, ऐसे ये ऐसे कॉकरोच है, समझ में आ रही है मैं कैसे कह रही हूँ। मान लो ये कॉकरोच है तो ऊपर क्या है इसके, टर्गाइट है, नीचे क्या है इसके, स्क्लेराइट है, और साइड्स में इसके क्या है, प्लूराइट है, ये आप ध्यान रखना। चलो अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में और क्या क्या फर्क है, और ये जो स्क्लेराइट्स हैं, ये जो टर्गाइट्स हैं, ये कैसे कैसे आपके मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। चलो तो हम मेल्स के अंदर बात करते हैं, 9th और 10th टर्गा, टर्गा भी बोल देते हैं, ये सारे वही हैं, टर्गाइट की बात कर रहे हैं। तो 9th और 10th टर्गा डॉर्सली बाउंड्स द जेनाइटल पाउच और द चेंबर। अब देखो ये दो तीन लाइंस हैं जो थोड़ी सी है याद करने वाली, और ये बिल्कुल मतलब रट्टा ही मानना पड़ेगा एज इट इज, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैं आपको एक सलाह दे सकती हूँ कि ये दो लाइंस क्या करना है, एक पेज पे लिख लो और उसको अपने वॉल पे चिपका लो, बस इतना ही आप भूलोगे, मुझे पता है यही आप भूलोगे मेनली, ठीक है, यही आप भूलोगे। मैंने भी बल्कि इनफैक्ट जब मैं पढ़ती थी तो मैंने यही किया हुआ था, ये दो लाइंस थोड़ी सी हैं अजीब सी। तो मेल्स के अंदर क्या होता है, 9th और 10th टर्गा, ऑब्वियसली बात है वो डॉर्सली होगा, तो ये तो याद करना नहीं पड़ेगा कि 9th और 10th टर्गा इज डॉर्सली बाउंड, नहीं, 9th और 10th टर्गा बाउंड्स द जेनाइटल पाउच और द चेंबर विच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। तो मेल्स के अंदर हाइंड एंड कौन सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर क्या होता है, 9th और 10th टर्गा उसको बाउंड करता है,
ठीक है। तो जेनाइटल पाउच या चेंबर जो मेल के कॉकरोच के अंदर, मेल कॉकरोच के अंदर हाइंड एंड पे यानी कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, उसको डॉर्सली 9th और 10th टर्गा कवर करता है, ये कहने का मतलब है। बड़ा गंदे तरीके से इसको लिखा हुआ है, याद भी नहीं होता, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। 9th और 10th टर्गा डॉर्सली मेल के हाइंड वाले रीजन में जो एक पार्ट है जेनाइटल पाउच या चेंबर, उसको बाउंड करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर से 9th और 10th टर्गा करता है और नीचे से 9th टर्गा करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो ऊपर 9th और 10th टर्गा जो है ऊपर से बाउंड करेगा और नीचे से आपका 9th, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है शायद, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गलत नहीं लिखा हुआ है, हाँ हाँ गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, गलत है ये, ठीक है ये से सही कर लेना। तो ये ध्यान रखना कि डॉर्सली क्या है आपका 9th, अरे ये बहुत ही बड़ा हो गया पेन का साइज, 9th और 10th, और यहाँ नीचे से क्या है आपका 9th, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में भी चेक कर लेना, ये गलत लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो 9th और 10th और नीचे से क्या है 9th, कवर कर रहा है हाइंड रीजन को ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, किसको, जेनाइटल पाउच को या चेंबर को, तो ये ध्यान रखना है। और ये जेनाइटल पाउच या ये जो चेंबर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर डॉर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेन जेनाइटल पोर होता है और गोनाफोफाइसिस होता है। तो ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है यहाँ पे, और मैं समझती हूँ थोड़ा गंदा आपको लग रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं, नीट में तो सिलेक्शन आप ही को लेना है, डॉक्टर तो आप ही को बनना है, तो ये तो आप याद कर ही सकते हो। कल को आने वाले टाइम में सेकेंड ईयर में जब आओगे तो बहुत सारी दवाइयों के नाम भी याद करने हैं, तो अगर आप यहीं पर घबरा जाओगे तो दवाइयों के नाम कभी याद करोगे, कैसे करोगे याद, तो इसलिए घबराना नहीं है। अगर कुछ चीज़ मुश्किल है कोई बात नहीं, हम बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है, पर हिम्मत नहीं हारनी है। उसके बाद बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर क्या है, 7th स्टर्नम, 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड। अब मैं आपसे अगर पूछूं 7th स्टर्नम कहां पे होगा, डॉर्सली होगा या वेंट्रली होगा, आपको मुझे बताना है। 7th स्टर्नम विच इज बोट शेप्ड और 7th, 8th, 9th स्टर्नम मिलके क्या बनाते हैं, ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाते हैं, ब्रूड और जेनाइटल पाउच। जैसे मैंने मेल्स के अंदर भी जेनाइटल पाउच देखा, वैसे ही फीमेल्स के अंदर 7th, 8th और 9th स्टर्ना मिलके क्या बना देते हैं, जेनाइटल पाउच। वेंट्रली होगा, स्टर्नम वेंट्रली है, तो ये तो चीजें आपको कम से कम याद नहीं रखनी पड़ेंगी ना, कि वेंट्रल कौन सा है, डॉर्सल कौन सा है। अगर आपको ये पता है कि टर्गम डॉर्सल है ऊपर है और वेंट्रल कौन सा है, स्टर्नम है, तो आप आराम से कर पाओगे, स्टर्ना है तो आप आराम से कर पाओगे। तो 7th, 8th, 9th क्या बनाता है आपका, मिलकर जेनाइटल पाउच बना देते हैं। अब हुज एंटीरियर पार्ट, उसके एंटीरियर पार्ट में क्या है, फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर और कोलैटरल ग्लैंड्स। तो ये हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बट कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी इसमें याद आपको रखनी पड़ेंगी, क्लियर है। चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से, जो चीजें हैं इसमें फटाफट कवर कर लेते हैं। तो फिलीफॉर्म एंटीने की अगर हम बात करते हैं, तो फिलीफॉर्म एंटीने कैसे हैं, लॉन्ग है, सेंसरी है, सेंस करने के लिए। मैंने पहले ही बताया था एंटीने का क्या काम है कॉकरोच के ऊपर, कि वो सेंस कर रहा है, आप उसको मारने जाओ वो भाग जाएगा एकदम से। क्यों भाग जाएगा, क्योंकि वो सेंस कर सकता है। तो लॉन्ग सेंसरी थ्रेड लाइक सेगमेंटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट, हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली फिलीफॉर्म एंटीने का क्या काम है, सेंस करने का काम है। उसके बाद हमने हेड के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हम यहां देखते हैं और चीजें। 3 पेयर हैं लेग्स के, मैं आपको बता चुकी हूं, एक मीजोथोरासिक लेग, मेटाथोरासिक लेग, प्रोथोरासिक लेग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब इतना आई होप आपको डायग्राम के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने सिस्टम्स, और इसके बाद मैं लिटरली बता रही हूं हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 25 मिनट मैक्सिमम है, हम फटाफट सारे सिस्टम कवर कर लेंगे, चैप्टर इतना प्यारा है, छोटा सा है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखो, और अगर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पता है तो आपके लिए कॉकरोच का जानना भी आसान होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है, तो आपके लिए आसान होगा। तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। किस में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। मिडगट का नाम मिडगट ही है, ठीक है, मिडगट अलग से मिडगट ही है, देखो मिजेंट्रॉन और मिडगट, मिडगट तो मिडगट ही है। मिडगट के ऊपर वाली जितनी चीजें हैं वो सारी फोरगट, मिडगट के नीचे वाली जितनी चीजें हैं वो सारी हाइंडगट, खत्म बात, ठीक है। तो अगर आपको पूरा पता है पाथवे तो आप आराम से बता सकते हो। तो मिडगट के ऊपर जो भी है वो सारा किस में आ जाएगा, फोरगट में। जो मिडगट के नीचे है सारा वो किस में आ जाएगा, हाइंडगट में। अब अगर आपको पता ही नहीं, आप यही याद नहीं कर पा रहे कि फोर वाला जो रीजन है, फोर वाला वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हाइंड वाला किसके लिए, तो आप उल्टा भी करा सकते हो। तो ध्यान रखना, हम अपने बात करें अगर, तो हम बोलते हैं हमारे फोर लिम्स कौन से हैं, हमारे हाइंड लिम्स कौन से हैं। तो सिमिलरली फोरगट कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, हाइंडगट कौन सा होगा, नीचे वाला होगा, खत्म बात। अब देखो फोरगट मैंने बोला, मिडगट के ऊपर जो भी है फोरगट है, मिडगट के नीचे जो भी है वो सारा हाइंडगट है। तो हाइंडगट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं आपकी, इलियन, कोलोन, इलियम, कोलोन और रेक्टम। जैसे हमारे अंदर अलग चीज़ें आती हैं, यहाँ पे हाइंडगट के अंदर इलियम, कोलोन और रेक्टम आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं शुरू से, कि अगर खाना कॉकरोच लेगा तो कैसे कैसे उसका पाथवे है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट है,
ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर होता है फैरिंग्स, उसके अंदर होता है फैरिंग्स, जब वो खाना लेगा फैरिंग्स होता है, जैसे हमारे अंदर भी होता है। और फैरिंग्स ऐसा होता है, छोटा सा होता है और ट्यूबुलर होता है, ट्यूब जैसा है और छोटू सा है। तो फैरिंग्स कैसा है देखो, यहाँ पे शॉर्ट और ट्यूबुलर है। उसने खाना खाया तो पहले कहाँ गया, फैरिंग्स के अंदर, जो कि शॉर्ट और ट्यूबुलर है। उसके बाद कहाँ जाता है, आप खुद सोचो हमारे अंदर कैसे हो रहा है। तो हमारे अंदर भी ईसोफेगस है, यहाँ पे भी क्या है देखो, यहाँ पे भी ईसोफेगस आ रहा है, तो यहाँ पे भी ईसोफेगस के अंदर चला गया। तो फैरिंग्स से कहाँ चला गया, ईसोफेगस के अंदर चला गया। अब हमारे अंदर क्या होता है, स्टमक है हमारे अंदर, लेकिन कॉकरोच के पास स्टमक नहीं होता है। कॉकरोच के पास क्या होता है, कॉकरोच के पास स्टमक की जगह क्या होता है, क्रॉप होता है। स्टमक की जगह क्या होता है, क्रॉप होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फैरिंग्स में गया खाना, फिर कहाँ गया, ईसोफेगस में गया। और ईसोफेगस कैसा है, ईसोफेगस के बारे में बात कर लेते हैं, नैरो और ट्यूबुलर है, ये आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, आपको पता है ऑब्वियसली कि ये ट्यूब जैसा ही तो है, तो ट्यूबुलर है। फैरिंग्स जैसा छोटा और ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर है, ठीक है। अब क्रॉप की बात करते हैं, तो क्रॉप पेट जैसा है, हमारे स्टमक जैसा है। क्रॉप जो है उसके अंदर क्या है, वो सैक लाइक है, जैसे स्टमक है हमारा, उसके बाद ये टेम्परेरली फूड को स्टोर करके रखता है थोड़ी देर के लिए। कॉकरोच के पेट में यानी कि क्रॉप में उसके फूड स्टोर रहता है। तो फैरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप के अंदर आ गए। इतना सबको क्लियर है, बताओ फटाफट जल्दी से मुझे बता दो, क्लियर है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। फिर क्रॉप के बाद एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं गिजर्ड, जिसको हम बोलते हैं गिजर्ड। तो क्रॉप के बाद क्या आ गया, गिजर्ड आ गया मेरा, ठीक है। और गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस भी होता है। तो ये एक पॉइंट है जो शायद एनसीईआरटी में पता नहीं लिखा है नहीं, आप एक बार चेक करना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि गिजर्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ काइटिन की प्लेट्स लगी होती हैं, काइटिन की प्लेट्स लगी होती हैं जो फूड को ग्राइंड करने के काम आती हैं। जो फूड है, बड़े बड़े पार्टिकल अगर कॉकरोच ने खा लिए तो उसको तोड़ना भी तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमारा स्टमक के बाद एक स्ट्रक्चर है गिजार्ड, जो क्या करता है। अब देखो, मेरे को तो हमेशा ना ऐसे फील आती थी गिजार्ड सुन के, गिजार्ड कि कुछ मतलब है, ज ज आ रहा है तो मतलब कुछ तोड़ रहा है। तो सिक्स काइटिनस प्लेट्स हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड में, गिजार्ड जी से, ग्राइंडिंग ऑफ फूड जी से। तो गिजार्ड जो है उसके अंदर ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर काइटिन की प्लेट्स प्रेजेंट है जो फूड को तोड़ पाती हैं, ठीक है। और आउटर सर्कुलर थिक मसल भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उसके अंदर काइटिनस प्लेट्स भी लगी हुई हैं, वो फूड भी ग्राइंड कर रहा है, तो उसकी जो बाहर की मसल की लेयर होती है उसके अंदर, वो भी थिक होती है। तो ये ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, फैरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप जो हमारे पेट जैसा है। उसके बाद एक चीज आ गई यहाँ पे गिजर्ड, जो अलग है थोड़ी सी कॉकरोच के अंदर, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, क्लियर है इतना। अब देखो, इसके बाद एक चीज आती है, इसके बाद एक चीज आती है, अगर हम देखें गिजार्ड के बाद, तो बेसिकली क्या आ रहा है, मिडगट आ रहा है। तो इससे ऊपर जितनी भी हमने चीजें पढ़ी, चाहे वो फैरिंग्स हो, चाहे ईसोफेगस हो, चाहे क्रॉप हो, चाहे गिजर्ड हो, वो सारी किसके अंदर आ गई, फोरगट के अंदर आ गई। फोरगट के बाद क्या आएगा, मिडगट आएगा। तो फोरगट और मिडगट के बीच में एक चीज प्रेजेंट होती है, समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं। तो फोरगट और मिडगट के बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके, ठीक है, हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फैरिंग्स, ईसोफेगस और क्रॉप, ये हो गया फोरगट के अंदर, गिजर्ड, ठीक है, फोरगट के अंदर आ गया। फिर यहाँ पे बीच में आ गया हिपैटिक सीके, फिर उसके बाद आपका मिडगट आ गया। तो फोरगट और मिडगट के बीच में क्या है, हिपैटिक सीके। अब हिपैटिक सीके पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको ध्यान होना चाहिए। हिपैटिक सीके का क्या काम है, हिपैटिक सीके क्या करता है कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। देखो, अब खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, हमारे पेट के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस तो सिक्रीट होने चाहिए, तभी तो हम खाने को डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब कॉकरोच ने क्या किया, उसने फैरिंग से खाना ले लिया, उसके बाद वो ईसोफेगस में गया, उसके पेट में गया, क्रॉप में गया, वहाँ पे स्टोर भी हो गया। उसके बाद गिजर्ड था, तो गिजर्ड के अंदर क्या हुआ, गिजर्ड ने फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए उसने फूड के। लेकिन उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक स्ट्रक्चर आया हिपैटिक सीके, और उस हिपैटिक सीके ने क्या किया, कुछ ऐसे जूसेस रिलीज किए जिससे डाइजेशन हो पाया। तो डाइजेस्टिव अभी तक जूसेस हमने कहीं पड़े नहीं थे, तो मेनली हिपैटिक सीके के थ्रू वो रिलीज हुए। हिपैटिक सीके क्या है, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमें नहीं समझ आ रहा है, हमें पढ़ना ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा, बोर हो रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, तो बता सकते हो, बता के सकते हो, फिर मैं अब कुछ कर नहीं सकती। अगर आप एक महीने पहले भी बोर हो रहे हो चीज़ों से, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो फिर आपको कौन मोटिवेट कर सकता है, कौन मोटिवेट कर पाएगा आप लोगों को। आपको खुद से इतनी तो मोटिवेशन लाओ कम से कम कि अब एक महीना बचा है, 40 दिन लगभग बचे हैं, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ कल पढ़ लेंगे, प्रोकास्टिनेट अभी भी कर रहे हो, क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का, ठीक है। अब हमारा मिडगट भी आ गया, मिडगट भी आ गया। अब मिडगट के बाद क्या आएगा, हमने फोरगट पढ़ लिया, फोरगट और मिडगट के बीच में हमने हिपैटिक सीके पढ़ लिया, मिडगट के बाद क्या आएगा, हाइंडगट। अब मिडगट और हाइंडगट के बीच में भी एक चीज और प्रेजेंट है, उस चीज का नाम है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। तो ध्यान रखना, कभी भी फोरगट से मिडगट जा रहे हैं तो भी एक चीज प्रेजेंट है, मिडगट से हाइंडगट जा रहे हैं तो भी एक चीज प्रेजेंट है, और वो जो चीज है उसको हम बोलते हैं मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। जैसे हिपैटिक सीके था वैसे मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है। अब दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस कि हिपैटिक सीके 6 से 8 ही होता है,
बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 से 8 है। और मैल्फीजियन टिब्यूल 100 से 150 होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए कि हेपेटिक सी के तो कम है, थोड़े से ही हैं, और मैल्फीजियन टिब्यूल देखो कितने सारे हैं, 100 से 150 है नंबर में। दूसरी चीज़, येलो कलर के होते हैं, थिन होते हैं, पतले पतले होते हैं। देखो खुद डायग्राम में भी देखो, ये थिक लग रहे हैं आपको, ये थिन लग रहे हैं, तो मैल्फीजियन टिब्यूल जो है वो थिन है, बहुत सारे हैं नंबर में और येलो कलर के होते हैं। और कैसे हैं, फिलामेंटस है, फिलामेंट्स जैसे निकल रहे हैं, और कहाँ पे हैं, मिडगट और हाइंडगट के बीच में। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो 4 गट हिपैटिक सी के, मिडगट, मैल्फीजियन टिब्यूल, हाइंडगट। हाइंडगट में 3 पार्ट्स पहले ही बता चुकी हूँ, कौन कौन से 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे हाइंडगट के अंदर, इलियम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया इलियम, फिर आ गया कोलन, और फिर देखो एंड में आपका रेक्टम आ गया। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। और क्या था इसके अंदर, पूरा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर लिया। एक और चीज़ है, एक कुछ ग्लैंड यहाँ पे और प्रेजेंट है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, जो सलाइवा रिलीज करते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ थी, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम खत्म कर चुके हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। और अगर आप NCERT पढ़ोगे, आपकी एक एक लाइन कवर हो जाएगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, और ये डायग्राम आपको रट जाएगा अपने आप, क्योंकि आपने समझा है चीज़ों को, रटा नहीं है। ब्लाइंडली ऐसे बैठ के नहीं पढ़ा, ऐसे ऐसे बोल बोल के, ये नहीं करना, हमने समझा है, तो हम अब ज़्यादा टाइम तक याद कर पाएंगे उस चीज़ को। तो फैरिंग्स, फिर उसके बाद ईसोफेगस में आ गए, फिर क्रॉप में आ गए, फिर गिजर्ड में आ गए, फिर हिपैटिक सी के आ गए, फिर मिडगट आ गए, फिर मैल्फीजियन टिब्यूल आ गए, फिर हाइंडगट आ गए, और बाहर चला गया खाना। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। आसान लगा, मज़ा आया? मैं अर्थवर्म करना है या नहीं, फ्रॉग करना है नहीं, अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, पहले पढ़ लो, यहाँ पे फोकस रखो, मैं बता दूंगी, आज बिना बताए नहीं जाऊंगी, चिंता मत करो। अब आ जाते हैं हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पे। तो अभी तक हमने बात की खाना कैसे खाएगा, अब देखते हैं उसके अंदर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा है, उसके पास हार्ट है या नहीं, क्या सिस्टम है उसका देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम 3 चीज़ें बोलते हैं हार्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच में, एक तो उसका हार्ट होगा, एक उसके अंदर अगर प्रेजेंट है ब्लड वेसल तो होंगे, और दूसरा उसके अंदर हीमोलिम्फ होगा, ठीक है, हीमोलिम्फ होगा। तो बेसिकली किस टाइप का सर्कुलेशन होता है कॉकरोच के अंदर, ओपन या क्लोज्ड, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे चैट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है, उसके अंदर हार्ट एक प्रेजेंट होता है कॉकरोच के अंदर, और वो हार्ट कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। देखो एक ट्यूब जैसा प्रेजेंट है हार्ट, ट्यूब जैसा प्रेजेंट है ऐसा हार्ट है कॉकरोच के अंदर, ठीक है। अब हार्ट की और बात कर लेते हैं, तो हार्ट कैसा, इलॉन्गेटेड मस्कुलर ट्यूब है, दिख रहा है आपको डायग्राम में कि हाँ भाई इलॉन्गेटेड भी है, मस्कुलर भी, और ट्यूब भी है, हमें पता चल गया, ठीक है। लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो थोरैक्स और एब्डोमेन की बीच वाले जो हिस्सा है, बिल्कुल जो बीच से एक लाइन जा रही है, वहां पे प्रेजेंट है आपका हार्ट, ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मिड डॉर्सल लाइन ओपन है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, ओपन सर्कुलेशन है वहाँ पे, ठीक है। ओपन का क्या मतलब होता है ये भी बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में। और क्या होता है, फनल शेप्ड ऑस्टिया ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे इसके कुछ ऑस्टिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे भी ऑस्टिया, यहाँ पे भी छेद छेद है, छेद जैसे कुछ प्रेजेंट है, ऑस्टिया बोलते हैं। और जो ब्लड फ्लो करता है वो ऐसे करता है हार्ट के अंदर, कुछ ऐसे फ्लो करता है ब्लड, ठीक है। कैसे करते हैं, अब देखो जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे साइनसेस होते हैं कॉकरोच के अंदर। साइनसेस का क्या मतलब है, खाली स्पेसेस, ऑर्गन्स बाथ इन द ब्लड, वेरी गुड। तो खाली स्पेसेस होते हैं कॉकरोच के अंदर ऐसे, जैसे ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, होता क्या है, ये आपका हार्ट है, तो जो ब्लड फ्लो करता है ना वो कुछ इस तरीके से करता है कि मतलब मान लो ब्लड ऐसे गया, फिर ब्लड ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और कुछ ब्लड का जो फ्लो है वो इन ऑस्टिया के थ्रू हो जाता है ऐसे। तो जो पंपिंग एक्शन है वो हार्ट कर रहा है, लेकिन ब्लड फ्लो कैसा होता है, एंटीरियरली होता है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 3-4 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं हमें। एक तो ये कि हार्ट जो है वो मिड लाइन के अक्रॉस लाई करता है। चेंबर्स कितने हैं हार्ट के अंदर, 13 चेंबर्स हैं, 13 चेंबर्स हैं हार्ट के अंदर। अब एक और चीज़ देखना ध्यान से, मान लो ये एक चेंबर है, फिर ये दूसरा चेंबर है, फिर ये तीसरा चेंबर है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो देखो दो चेंबर्स के जंक्शन पे ना ऐसे मसल प्रेजेंट है, दो चेंबर के जंक्शन पे ऐसे मसल प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं कि हार्ट के अंदर चेंबर तो 13 हैं, लेकिन जो मसल प्रेजेंट है, जो ऐसे ये मसल प्रेजेंट है, वो 12 पेयर होते हैं। वो कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। चेंबर्स कितने हैं, 13 हैं, लेकिन जो एलरी मसल हैं वो 12 हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो 13 चेंबर्ड हार्ट होता है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, लेकिन जो मसल होते हैं वो 12 पेयर होते हैं। ऐसे कुछ मसल्स हैं, देखो ऐसे हैं, तो जंक्शन पे है ना, ये दो चेंबर के एक है मसल, दो चेंबर का एक मसल है, तो 12 होंगे, एक कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ब्लड वेसल कैसे हैं, अब आपने खुद ही बताया कि ओपन सर्कुलेशन है, तो ब्लड वेसल्स बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं और ओपन इनटू द हीमोसेल, एक खाली जगह पे ब्लड अपने आप तैर रहा होता है और उसी के अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यही चीज़ दी गई है कि विसरल ऑर्गन्स आर बाथ इनटू द हीमोलिम्फ, कलरलेस इनका प्लाज्मा होता है, और कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हीमोसाइट्स कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए बात, ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड है, ओपन है, हार्ट कैसा है, 13 चेंबर्ड है, 12 एलरी मसल्स हैं, हीमोलिम्फ में क्या है, कलरलेस प्लाज्मा प्रेजेंट है, और कुछ सेल हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके जितने भी ऑर्गन है वो ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं, ब्लड के अंदर ही पड़े हुए हैं, कोई क्लोज्ड सर्कुलेशन इसके अंदर नहीं है,
ठीक है, उमेश कुमार का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू उमेश, एंड आई होप आपके सारी जो विशेज़ हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर भी बनो, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, हमने अभी तक दो चीज़ें कर ली, डाइजेशन भी कर लिया, सर्कुलेशन भी कर लिया, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसमें एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो हमें भी ज़्यादा नहीं याद करना। तो कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया ओपन इनटू 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स। होता क्या है कि कॉकरोच के अंदर जो उसके लेटरल साइड्स हैं, मान लो ये अभी हम एसी के रिमोट को हमने कॉकरोच बना दिया, तो ये कॉकरोच है मान लो, तो इसकी जो लेटरल साइड्स हैं मतलब ये और ये, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पाइरकल प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पाइरकल प्रेजेंट है जो 10 पेयर हैं, यानी कि 10 इस तरफ 10 इस तरफ, ठीक है। तो 10 स्पाइरकल प्रेजेंट है और यहाँ से ही क्या होता है, उसका रेस्पिरेशन होता है या एक्सचेंज होता है, और कहाँ पे, लेटरल लेटरल साइड पे, ठीक है। तो जो ट्रेकिया है या ट्रेकियोल्स है वो ओपन करते हैं थ्रू स्पाइरकल्स। तो बॉडी के बाहर कैसे ओपन करते हैं, लेटरल साइड पे, और यहाँ छोटे छोटे स्पाइरकल होते हैं। तो ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल्स इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। तो अब स्पाइरकल खुलेंगे कैसे, बंद कैसे होंगे, हमें कैसे पता, तो बाहर एक स्फिंक्टर जैसे स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं कि खुलेंगे या बंद होंगे। तो वो कौन रेगुलेट करता है, स्फिंक्टर्स जो स्पाइरकल्स के ऊपर है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, ट्रेकियोल्स के थ्रू होता है, जो कॉकरोच की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो 10 पेयर स्पाइरकल के हैं, उसमें से 2 थोरैक्स में होते हैं और 8 एब्डोमेन में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान भी रख सकते हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रेकियोल्स हैं, उसके बाद स्पाइरकल्स हैं लेटरल साइड पे, 10 पेयर हैं स्पाइरकल के, और वो किससे कंट्रोल्ड है, स्फिंक्टर से कंट्रोल है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है, ट्रेकियोल से होता है। और अगर ज्यादा जानना है 10 पेयर में से, तो 2 थोरैक्स में और 8 एब्डोमेन में है। तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया 5 ही मिनट में खत्म, ठीक है। याद हुआ कि नहीं, चलो अब आ जाते हैं भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है या जो मेन एक्सक्रीशन होता है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए बात, ठीक है। उसके बाद कैसा, किस टाइप का एक्सक्रीशन है, तो यूरिकोटेलिक होता है। अब मैंने एक, अगर आपने पढ़ा हो मेरे से, अगर आपने मेरे से वो वाला चैप्टर पढ़ा है एक्सक्रीशन वाला, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास अलग अलग तरीके के एक्सक्रीशन है, यूरियोटेलिक है, अमोनोटेलिक है और यूरिकोटेलिक है, मैंने ये बताया था। तो मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई थी कि यूरिकोटेलिक कैसे पता चलेगा, कौन से एनिमल्स में यूरिकोटेलिक है, कैसे पता चलेगा कि अमोनोटेलिक कौन से एनिमल्स में, तो आपको मुझे बताना है, मुझे देखना है कितने बच्चों को याद है। तो यूरिकोटेलिक है, और ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं दे आर लाइंड बाय ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथीलियम। तो ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स कह दो या फिर आप एपिथीलियम कह दो, लाइंड बाय ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के लिए, ठीक है। यूरिक एसिड, उन यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको, जो बहुत कम पानी भी यूज़ करते हैं, बहुत कम पानी यूज़ करके एक्सक्रीट कर देते हैं। और अमोनोटेलिक हम बात करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को जो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। तो जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं यूजुअली, और यूरिकोटेलिक ऐसे ड्राई जगहों पर जो रह रहे हैं या फिर जिनको कम से कम पानी चाहिए, तो वो यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। चलो अब ड्राई प्लेसेस में, हाँ तो अब हम बात करते हैं और कौन से हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल तो हो गया, उसके अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट में कि क्या यूरिकोज ग्लैंड इन सब में से कौन सा एक्सक्रीशन करवाता है कॉकरोच में, तो उसके अंदर एक आंसर आपका यूरिकोज ग्लैंड था, क्योंकि इसके अंदर दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है, यूरिक एसिड, ये हम पढ़ चुके हैं। अमोनो, अगर आप बात करो अमोनोटेलिज्म किस में होगा, तो वो पानी वाली ज्यादा जगह, तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में ज्यादा रहते हैं उसमें अमोनोटेलिज्म दिखेगा तुम्हें, तुम एग्जाम्पल देख लेना तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम पे, इसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह जाएगा मेल फीमेल का, और वो हम 11 बजे तक पूरा चैप्टर हम ये निपटा चुके होंगे। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम में ना कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारा ब्रेन या जो हमारी मेजर चीज़ है ब्रेन, वो हमारे दिमाग मतलब हमारे हेड में है ना, हमारे हेड वाले रीजन में बेसिकली। लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं है, कॉकरोच में ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई एक पर्टिकुलर एक ब्रेन जैसी चीज़ हो जो उसके सिर में हो, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर ऐसा है पर इसके अंदर, कॉकरोच के अंदर ऐसा नहीं है। तो उसका जो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और इसीलिए अगर तुम कॉकरोच का सिर काट देते हो तो भी उसके बाद वो लगभग 7 दिन तक जिंदा रह पाता है। क्यों रह पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बाकी जगह भी उसका नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, इसलिए अगर आप सर भी काट दोगे कॉकरोच का तो भी वो जिंदा रह पाएगा। और वो मरेगा क्यों, फिर भी क्यों मरेगा, कोई मुझे बता सकता है कि कॉकरोच 7 दिन बाद क्यों मरेगा, उसके बाद भी जिंदा रह जाना चाहिए उसको, 7-8 दिन बाद क्यों मरेगा वो, बताओ मुझे फटाफट। तो 3 गैंग्लिया, अब हम देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट होता है, तो 3 गैंग, उसके लगभग 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में, जिसमें से 3 गैंग्लिया जो है वो थोरैक्स में है, 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में है। तो कंफ्यूज मत करना, स्पाइरकल्स में हमने पढ़ा था 2 पेयर थोरैक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में, जबकि हम गैंग्लिया में पढ़ रहे हैं तो 3 थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में। फूड भी हो सकता है, हाँ फूड भी कह सकते हो, और दूसरा इन्फेक्शन भी कह सकते हो, तो फूड भी कह सकते हो बिल्कुल, ठीक है। खाने की कमी हो सकती है, स्टारवेशन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि हेड में, एक तो कॉकरोच का हेड है और एक उसका पूरा वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो हम बोलते हैं कि जो हेड है उसके अंदर बहुत थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, जबकि उसके जो वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम होता है उसका, ठीक है। अब ब्रेन कैसे होता है, ब्रेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ जो उसके हेड में कहीं प्रेजेंट हो। तो सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन जो है दिस सप्लाई नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आई। सो ऑब्वियसली बात है कि ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉकरोच में, तो वो सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन है। और क्यों ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो हेड वाले रीजन में कहीं होगा, और वो किसको सप्लाई करेगा, ऑब्वियसली वहां पे एंटीना है, वहां पे आईज है, तो नर्व्स को भी सप्लाई करेगा, एंटीने को भी सप्लाई करेगा, कंपाउंड आईज को भी, सॉरी नर्व्स जो है वो एंटीने को भी सप्लाई करेंगे, कंपाउंड आईज को भी सप्लाई करेंगे। तो हम बोलते हैं कि ब्रेन जो है कॉकरोच का वो रिप्रेजेंट करते हैं हम सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन से, ठीक है। अब देखो आगे, हेड हैज वेरी लेस नर्वस सिस्टम, ठीक है, और लिव फॉर 7 डेज आफ्टर कटिंग ऑफ हेड, ये हम बात कर चुके हैं। तो यही आपको ध्यान रखना था, और कुछ था ही नहीं नर्वस सिस्टम में, याद हुआ या नहीं हुआ। अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की। तो जैसे हमारे अंदर है, हमारे भी सेंसरी ऑर्गन्स है, वैसे कॉकरोच के भी हैं। तो कॉकरोच के आपको 2-3 ध्यान रखने हैं, एंटीना हो गया, उसकी आईज हो गई, एनल सर्काई हो गए, लेबियल पैल्प्स हो गए और मैक्सिलरी भी पैल्प्स हो गए। तो ये आपको 2 ध्यान रखने हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी से आप एक बार देख भी लेना, और अगर कोई एक स्ट्रक्चर मिस हुआ है तो एंटीना, आईज और एनल सर्काई तो आप कराओगे पर आप ये भूल जाओगे, ठीक है, पैल्प्स आप भूल जाओगे। तो ये ध्यान रखना कि ये भी सेंसरी ऑर्गन्स ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आईज की। तो आईज कहाँ पे, डॉर्सली लोकेटेड है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हेड में आईज, तो हमने ये पढ़ा था कि हेड में आईज, लेकिन आईज हेड में भी कहाँ है, नीचे वाले तरफ होंगी ऊपर वाली, तो उसको ऊपर देख के चलना है भाई, नीचे अगर देखेगा वो जमीन में थोड़ी देखेगा, ऊपर देखेगा ना। तो डॉर्सली उसकी लोकेटेड होती हैं आँखें, ठीक है। और कैसी आँखें होती हैं उसकी, कंपाउंड आईज होती हैं, और कंपाउंड आईज के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओमाटीडिया। कितने होते हैं वो, 2000 होते हैं, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रही हूँ, नहीं तो इसमें बहुत डिटेल में जाने वाली चीज़ है, पर इतना डिटेल में जाऊँगी नहीं मैं, क्योंकि हमें वन शॉट में चैप्टर खत्म करना है और हमारे पास टाइम भी एक ही महीना है सिर्फ, तो हमें इसमें ही हमें वो नहीं कर लेना, हमें फटाफट से चीज़ों को रिवाइज करना है। तो डॉर्सल आँखें उसकी प्रेजेंट होती हैं, किस तरीके की आँखें, कंपाउंड आईज होती हैं, उसके अंदर 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ओमाटीडिया भी कहते हैं। और जो इमेज बनती है कॉकरोच की वो मोज़ैक होती है। मोज़ैक का मतलब है कि जब इमेज बनती है ना, तो मोज़ैक देखा है, मोज़ैक पैटर्न आपने देखा है, आप एक बार सर्च करना गूगल पे, आपको समझ में आएगा। तो मोज़ैक पैटर्न का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट की वो इमेज बना रहा है, तो उसको बहुत सारे पार्ट्स में बना रहा है और फिर उसको कंबाइन करके वो देखता है। तो जो इमेज बनती है कॉकरोच के अंदर वो मोज़ैक इमेज होती है, और वो नॉक्टर्नल है, तो नॉक्टर्नल एनिमल है, वो भी हमें पता चल गया, ठीक है, समझ में आई बात। चलो भाई, अब हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉकरोच किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, डायोशियस है, ठीक है, और दोनों अलग अलग, एक मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, ठीक है। तो ये डायोशियस और है एनिमल इंसेक्ट, और हम बोलते हैं बोथ द सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों के पास, मेल के पास भी फीमेल के पास भी, अच्छा खासा अपना प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। चलो, ये एक्चुअली मेरा नोज पिन है जो कि थोड़ा सा बाहर आ गया है, वो थोड़ा सा ऐसे वायर्ड था, मतलब वायर से अंदर डाला हुआ था नोज पिन, तो वो आज ना ऐसे खिंच गया और इसमें से थोड़ा ब्लड भी आ रहा था, तो मैंने उसको ज़्यादा पुश नहीं किया फिर, तो वो मेरा ये नोज पिन है जो ऐसे बाहर है यहाँ पे। चलो, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम पार्ट्स देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो एक तो उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, वैस डिफरेंस प्रेजेंट होता है, इजैक्युलेटरी डक्ट प्रेजेंट है, और सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है, एक और मशरूम ग्लैंड है जो अभी हम देखेंगे। तो पहले हम डायग्राम देखते हैं। देखो, ये आपका टेस्टिस है, यहाँ पे कॉकरोच की ये टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ओके, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं वैस डिफरेंस की। तो वैस डिफरेंस क्या है, ये है वैस डिफरेंस। पहले आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स इमेजिन कर लो कि कहाँ पे क्या है। इजैक्युलेटरी डक्ट कहाँ है, ये देखो, ये आपकी इजैक्युलेटरी डक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स की। तो सेमिनल वेसिकल ये तुम्हें दिख रहे हैं, ये देखो, ये सेमिनल वेसिकल हो गया, ठीक है, सेमिनल वेसिकल। ये जो पीछे तुम्हें दिख रहा है ऐसे, ये फैलिक ग्लैंड होता है या मशरूम ग्लैंड होता है। तो हमने 3-4 स्ट्रक्चर पढ़े, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, और ये आपका वैस डिफरेंस है, ये आपका फैलिक ग्लैंड है, ये आपके सेमिनल वेसिकल्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये चीज़, और ये इजैक्युलेटरी डक्ट हो गई, ओके, क्लियर। अब देखो, हम फंक्शन देख लेते हैं सबके। तो हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नीट में यही आएगा कि टेस्टिस कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान रखना है 4-6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में, 4-6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है आपका टेस्टिस, ये ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़। क्वेश्चन यही पूछेंगे, अगर फीमेल में पूछते हैं तो फीमेल में फिर आप कन्फ्यूज होगे, फीमेल में जो ओवरीज हैं वो 2-6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, और मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो 4-6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, क्लियर है सबको,
समझ आ रहा है? चलो अब इसके बाद बात करते हैं हम टेस्टिस का, हमने देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे फंक्शन करता है, ये सब हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे मशरूम ग्लैंड की भी बात कर लेते हैं। तो एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड है या फिर ये फैलिक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या करता है, इस प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स विच फंक्शंस एज द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले चार स्ट्रक्चर पढ़े, टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स। टेस्टिस कहाँ पे है, 4 से 6 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जो 6 से 7 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड या फिर मशरूम ग्लैंड है, और इसका क्या काम है, इट इज एक्ट्स एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और साथ में क्या है, अब देखो स्पर्म्स जो है वो बनेंगे कहाँ पे, टेस्टिस से बन रहे हैं। ठीक है, और वो जो स्पर्म्स बनते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, सेमिनल वेसिकल पे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पर्म बन रहे हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर होते हैं। और वहाँ पे स्टोर होने के साथ साथ वो बंडल्स बना लेते हैं एक साथ। ठीक है, अब जो स्पर्म्स हैं वो ऐसे डायरेक्टली रिलीज नहीं होते हैं, सेमिनल वेसिकल में वो स्पर्म स्टोर होते हैं, उसके बाद वो एक बंडल बना लेते हैं और उन बंडल को हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। और ये स्पर्मेटोफोर रिलीज किए जाते हैं, तो डायरेक्टली स्पर्म नहीं रिलीज किए जाते हैं, स्पर्मेटोफोर रिलीज किए जाते हैं। और वो स्पर्मेटोफोर बनते कहाँ हैं, सेमिनल वेसिकल्स में। समझ में आ रहा है? फीमेल में टेस्टिस कैसे होगी, आपको मैंने बोला ही नहीं है एक भी बार टेस्टिस, मैंने मेल की बात कर रही हूँ, मैंने ओवरीज बताया था आपको फीमेल में, ये ध्यान रखने के लिए कि यहाँ पे 4th to 6th सेगमेंट में आपके टेस्टिस है और 2nd to 6th में आपके यहाँ पे ओवरीज है, यही तो बता रही हूँ। चलो तो हमने देख लिया, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है वो यही है कि जो स्पर्म्स है वो स्पर्मेटोफोर्स की प्रेजेंट में रिलीज होते हैं और वो कहाँ पे ग्लू किए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल जेनिटालिया भी प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल जेनिटालिया में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, मेल गोनापोफाइसिस आता है और फैलोमियर्स आते हैं। तो अब यहाँ पे देखो डायग्राम में अगर देखोगे आपको दिखेंगे, देखो फैलोमियर्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, स्यूडोपेनियस और टिटिलेटर और फैलोमियर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम यही चीज देखते हैं, एक तो गोनापोफाइसिस हम बोलते हैं, काइटेनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, और फैलोमियर में 3 चीजें होती हैं, लेफ्ट, राइट और वेंट्रल फैलोमियर। तो देखो, और उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, लेफ्ट है। तो ये हम एक बार यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं फैलोमियर्स। ये देखो ये आपका राइट फैलोमियर है, ये देखो ये दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद वेंट्रल फैलोमियर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे और क्या स्ट्रक्चर हमारा रह गया है, टिटिलेटर आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेफ्ट फैलोमियर दिख रहा होगा, और सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, सबसे बड़ा इनमें से लेफ्ट है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे मेल में टेस्टिस हमने पढ़ा, सेमिनल वेसिकल पढ़ा, इजैक्युलेटरी डक्ट पढ़ा। तो फीमेल्स के अंदर 2 बड़ी बड़ी ओवरीज होती हैं, उसके बाद ओविडक्ट, वजाइना, जेनाइटल चेंबर और स्पर्माथीका होता है। तो ये आपको 5 स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने क्वेश्चन में आएगा वो ये है कि 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं ओवरीज और 4th से 6th में होती हैं टेस्टिस। तो ये तो आप गलत नहीं करोगे, मैं इतनी बार ये रिपीट भी कर चुकी हूँ। ओवरी की बात करते हैं, तो ईच ओवरी इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। अब देखो यहाँ पे समझना कि ये ओवरी है, जैसे ये पूरी ओवरी है ऐसे, ठीक है, ये भी ओवरी है, तो एक पेयर है ओवरी का। इसके अंदर भी ना ऐसे ओवेरियोल्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, फिर ऐसे 2 होगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ओवेरियोल्स होंगे। किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो हम यही यहाँ पे बात करते हैं कि ईच ओवरी इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवेरियोल्स, ठीक है, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। तो ओवा कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर बनता है, और ओवरी किससे बनी हुई है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल से बनी हुई है। ठीक है, चलो ये आई होप आपको समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं ओविडक्ट्स की, वजाइना, जेनाइटल चेंबर की। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरी दिया हुआ है, देखो ओवरी से क्या निकला है, यहाँ पे ओविडक्ट, ओविडक्ट निकला, फिर कॉमन ओविडक्ट या वजाइना, तो ये ओविडक्ट है, फिर उसके बाद ये आपका कॉमन ओविडक्ट या वजाइना हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे देखो आपको कौन से ग्लैंड दिख रहे हैं, कोलैटरल ग्लैंड दिख रहे हैं, कोलैटरल ग्लैंड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है जिसका नाम है स्पर्माथीका, जिसका नाम है स्पर्माथीका। अब स्पर्माथीका के बारे में ध्यान रखना कि स्पर्माथीका मेल में नहीं है, फीमेल में है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पर्माथीका कभी भी आएगा तुम कन्फ्यूज जाओगे कि स्पर्म आ रहा है तो मेल में होगा, है ना, लेकिन स्पर्माथीका फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी गोनापोफाइसिस है जैसे मेल के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे जेनाइटल पाउच जो है वो 2 चीज़ों का बना हुआ है। 2 चीज़ें कौन सी हैं, जेनाइटल चेंबर और वेस्टिबुलम। ये देखो ये जेनाइटल चेंबर हो गया और ये पूरा रीजन वेस्टिबुलम हो गया। तो जेनाइटल चेंबर और वेस्टिबुलम मिलके बनाता है जेनाइटल पाउच। तो एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि फीमेल्स के अंदर जेनाइटल पाउच किस चीज़ का बना होता है, तो जेनाइटल चेंबर और वेस्टिबुलम का बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पर्माथीका इंपॉर्टेंट है, स्पर्माथीका की बात कर लेते हैं। तो स्पर्माथीका, पेयर ऑफ स्पर्माथीका, पेयर ध्यान रखना कि एक पेयर होता है स्पर्माथीका का, और कहाँ प्रेजेंट होता है, 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे खुलता है वो, जेनाइटल चेंबर में। अब यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो स्पर्माथीका है वो कहाँ खुल रहा है आपका, जेनाइटल चेंबर के अंदर खुल रहा है, एक पेयर होता है, और कहाँ होता है, 6th सेगमेंट में होता है। कहाँ होता है, 6th सेगमेंट में। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 2nd से 6th तक आपकी ओवरी थी,
उसके बाद सिक्स्थ में आपका स्पर्मा थीका प्रेजेंट होता है, और वो स्पर्मा थीका किस में खुल रहा है, आपका जेनाइटल चेंबर में खुल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पर्म्स जो ट्रांसफर होते हैं वो स्पर्माटोफोर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बात, कि जो स्पर्माटोफोर है उसी के थ्रू ये जो स्पर्म्स है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और स्टिक कैसे होते हैं, ग्लू कैसे होते हैं, सेमाइनल वेसाइकल्स के अंदर होते हैं। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उनके सारे हमने स्ट्रक्चर्स एक बार गो थ्रू कर लिए हैं। एक बार आप एनसीईआरटी से भी दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में भी आप पढ़ने को पढ़ सकते हो, बट एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही मेंशनड है तो मैंने इतना ही उठाया था यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की। तो फर्टिलाइजेशन किस तरीके की होती है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइज एग्स कैसे बनते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है नीट में। तो फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं, अब फर्टिलाइजेशन तो हो गई, स्पर्माटोफोर के थ्रू स्पर्म्स जो है वो फीमेल के अंदर चले गए, अब क्या हुआ, फर्टिलाइज एग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई। और ये जो एग्स हैं, दीज आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड एज ऊथीका, ठीक है, ऊथीका। तो ऊथीका जैसे कैप्सूल बन जाते हैं, ऊथीका होते कैसे हैं, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउनिश होते हैं, डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउनिश ऐसे कैप्सूल बन जाते हैं, और उनके अंदर 9 से 10 ऊथीके होते हैं। और वो सॉरी एक चीज़ मैंने गलत बोल दी यहाँ पे, एक तो जो फर्टिलाइज एग्स हैं वो रिलीज होते हैं एज ऊथीका, ठीक है, एज ऊथीका, और जो फीमेल है वो एक बारी में 9 से 10 ऊथीका रिलीज करती है, और हर ऊथीका में 14 से 16 एग्स होते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर एक बार फीमेल 9 से 10 ऊथीका रिलीज करेगी और हर ऊथीका में 14 से 16 एग्स होंगे, तो कितने सारे एग्स बन जाएंगे, है ना, कितने सारे एग्स बन जाएंगे, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये ध्यान रखना है नंबर, तो 9 से 10 ऊथीका होते हैं और हर ऊथीका में 14 से 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो उथीका कैसा है, डार्क रेडिश है या फिर ब्लैकिश ब्राउनिश कैप्सूल है, और वो उथीका कितना लंबा होता है, 8 mm लॉन्ग होता है या फिर 3/8 इंचेस लंबा होता है। तो ये अगेन एक फिगर हो गई यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट कैसा होता है कॉकरोच का, पोरो मेटाबॉलिस टाइप डेवलपमेंट होता है, जो आपने एनिमल किंगडम में डिटेल में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट होगा वो निम्फल स्टेज के थ्रू होगा, मतलब कि एक एक स्टेज आती जाएगी और जो कॉकरोच है वो छोटे कॉकरोच से बड़ा कॉकरोच बन जाएगा। तो हम बोलते हैं कि कैसे निम्फ्स कैसे होते हैं, और हम पोरो मेटाबॉलिस क्यों नाम दे रहे हैं, अगर जो निम्फ्स हैं वो अडल्ट के जैसे दिखें तो हम उसको पोरो मेटाबॉलिस नाम देते हैं, ठीक है। तो निम्फ्स जो हैं, ये छोटे वाले जो कॉकरोच जो बड़े वाले में बनने वाले हैं, ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 times, तो 13 बार चेंज कर करके कॉकरोच जैसे बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि निम्फ जो है वो अडल्ट कॉकरोच तक कैसा बन पाता है, 13 बार मोल्टिंग करके बन पाता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स। तो जो लास्ट निम्फल स्टेज है, मतलब जहाँ पे कॉकरोच फाइनली बन रहा है, उससे एक पहले विंग पैड्स तो आ जाते हैं, लेकिन अडल्ट्स के अंदर ही सिर्फ विंग्स दिखते हैं हमें, निम्फ के अंदर विंग्स नहीं दिखते। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट टू लास्ट मतलब लास्ट से एक पहले वाले तक विंग पैड्स तो आ जाते हैं, लेकिन जो विंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच में ही दिखते हैं। तो ये पूरा हमारा डेवलपमेंट भी खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन भी खत्म कर लिया, और हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खत्म कर लिया। समझ में आ रही है या नहीं आई है कोई चीज़, तो मुझसे अभी पूछ सकते हो। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार तुम थोड़ा, मैं तुम्हें नोट्स भी सेंड कर दूंगी अगर तुम्हें थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा पढ़ना है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, एक बार एनसीईआरटी ज़रूर आप रीड कर लेना, कुछ अगर गड़बड़ यहाँ पे हो गई है एक आधे पॉइंट में तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। वैसे सब कुछ इसमें सही है, हम वेरीफाई करके लिखते हैं, बट एक आधा कोई पॉइंट अगर फैक्ट या कुछ ऐसा हो जाए तो बता देना, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया कॉकरोच का, हमने हर एक चीज़ डिस्कस की है, हमने मॉर्फोलॉजी, हैबिट, हैबिटेट, साइज, फिर हमने सारे सिस्टम्स इसके डिस्कस कर लिए। अब दो चार सवाल जो बच्चों के हैं कि क्या अर्थवर्म पढ़ना है, क्या फ्रॉग पढ़ना है, तो देखो एक चीज़ तो ये हो गई है कि अब जो वो 15 questions आने वाले हैं वो कह रहे हैं ऐसे कि वो 15 questions आपके ऐसे सिलेबस में से आएंगे जो कि आपका हटा चुके थे। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये जो आपका अर्थवर्म है और ये जो फ्रॉग है ये सिलेबस से हटाया हुआ है, तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अब कहने को तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा अपनी लाइफ में, तो ऐसा मत करना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट यूनिट जैसे इकोलॉजी, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी यूनिट छोड़ के आप अर्थवर्म पढ़ने बैठ जाओ, ये चीज़ मत करना। पहले आप अपनी सारी चीज़ें अपने सिलेबस की ख़त्म करो, फिर जब वो हो जाए तो आप एक बार अर्थवर्म और एक बार आप फ्रॉग क्या करना, एक बार एनसीईआरटी से रीड करना अच्छे से, और जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं इन दोनों से रिलेटेड, क्योंकि देखो सिलेबस में कभी भी नहीं थे पर इनमें से सवाल हर बार आता है, ऑलमोस्ट लगभग हर दूसरे साल में आ जाता है अर्थवर्म में से या फ्रॉग में से, तो जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो अच्छे से देख लेना, क्या पता वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप कॉकरोच को छोड़ के अर्थवर्म पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि कॉकरोच में से तो पक्का क्वेश्चन आना ही है ना, वो क्यों छोड़ना है हमें, तो ये गड़बड़ मत करना। ये एक जो क्वेश्चन पूछे थे आई होप आपका क्लियर हो गया, अर्थवर्म पढ़ना है या फ्रॉग पढ़ना है या क्या करना है,
समझ में आ गई सबको क्या करना है। साथ में एक चीज़ मुझे और अनाउंस करनी थी, एक तो आपकी जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं 12 बजे, तो अब उसमें हमने शेड्यूल एक दे दिया था कि हम 3 चैप्टर आपको हफ्ते में करा देंगे और आपका लगभग 2-3 या 4 सितंबर से पहले पहले आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस वन शॉट में करा दिया जाएगा। तो इसलिए जब 3 चैप्टर हैं तो वो अल्टरनेट डे क्लास रहेंगी और वन शॉट रहेंगी, 2-2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, ताकि आपको भी एक बार में आपका चैप्टर खत्म हो, आपको टाइम भी मिले रिवाइज करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, और डाउट्स के लिए भी हमने ग्रुप बना दिया था फिजिक्स के। केमिस्ट्री की जो क्लासेज हैं वो आपकी कैसे रहेंगी कि जैसे मैंने आज एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दिया था, कल आपकी लाइव क्लास होनी है 10:30 बजे सुबह, लेकिन सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, उनको फीवर हो रहा है, तो हो सकता है हमें ये कैंसिल करनी पड़े, पर वैसे 10:30 आपकी क्लास होगी कल, उसमें आपका अल्कोहल्स कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लाइव क्लास रहेगी केमिस्ट्री की। बायो का सेशन रात को 10 बजे ही रहेगा, टाइम बिल्कुल हमारा फिक्स है, 10 बजे होती है हमारी क्लास रात को, और कल हम लोग मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स करेंगे, परसों हम लोग एनाटॉमी इन प्लांट्स करेंगे, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको खुद अपनी तरफ से करना है, जैसे लिविंग वर्ल्ड, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट, ये सारे आप अपनी तरफ से करो, बाकी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं वो चैप्टर नहीं कराने वाली हूँ, या अगर कराऊंगी तो मेरी लास्ट प्रायोरिटी है वो, पहले हमें मेन सिलेबस खींचना है बायो का, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो अभी अपने आप शुरू, ठीक है। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा, जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप शेड्यूल बता दो, शेड्यूल बता दो, तो वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब ये आपका आई होप समझ में आ गया। कोई पूछ रहा है कि कॉकरोच में हम मेल फीमेल कैसे बताएंगे, तो एनल स्टाइल्स एक वेरी अच्छा ऑप्शन है, और बाकी साइज़ भी वेरी करता है मेल और फीमेल्स में, ठीक है। तो ये आपका हमने चैप्टर खत्म कर दिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आप टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन ज़रूर कर लो, टेलीग्राम पे हम जो भी नोट्स हैं इसके वो सब कुछ अपलोड हो जाएंगे आपके, और जो भी क्लासेस का शेड्यूल है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, अभी तो तीनों हमारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासेस हो रही हैं, बाकी आपके ऊपर है, आप पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर है वो कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है और हमें ज़रूरत है, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि हम कहीं से पढ़ पाएँ, तो आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हो, आपके लिए फ्री है वो चीज़, ठीक है। आई और ईयर और MBI दो चीज़ें मैं अब मेरी तरफ से रह रही हैं, वो मैं आपको करा दूंगी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना कि मैं वो शूट कर पाऊँ, तो मैं वो भी करवा दूंगी। अभी क्लासेज आप जो चल रही हैं वो चलाते रहो, मैं करा दूंगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो अब हम लोग कल मिलते हैं फिर रात को 10 बजे, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना सब लोग, ठीक है। ओके, सी यू गाइज टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।